मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन है मंगलवार का, तारीख है 26 सितंबर 2023, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी पर चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी अग्नय, राहु काल रहेगा शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक का, द्वि पुष्कर योग रहेगा सुबह 9:42 से लेकर रात में 1:45 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:12 से लेकर सुबह 10:12 तक। क्यों बता रहे हैं ये विशेष मुहूर्त? क्योंकि है विशेष श्रवण नक्षत्र भी है और द्वादशी तिथि भी है। ऐसे में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर वामन द्वादशी का सृजन होता है, तो विशेष पर्व है वामन जयंती, भगवान वामन की उत्पत्ति का दिन है और साथ ही साथ है भुवनेश्वरी जयंती और कल की द्वादशी। और हमारा जो विशेष उपाय है वो भी भगवान वामन से ही जुड़ा हुआ है, बताएंगे आपको कैसे कामकाज में तरक्की मिलेगी, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरिस के साथ में। मेष राशि वालों शाम परिवार के साथ में बिता पाएंगे, समाज में रुतबा बढ़ेगा, प्रेम संबंध सफल रहेंगे, दोस्तों से आर्थिक मदद मिलेगी, दफ्तर में कामकाज की प्रशंसा होगी। उपाय ये करें कि गुड़ का सेवन करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, बड़ी खुशखबरी मिलेगी, दफ्तर में अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे, इच्छाएँ भी पूरी होंगी। उपाय ये करें कि मस्तक पर सिंदूर से तिलक करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे, दाम्पत्य सुखद रहेगा, नए कामकाज की योजना बनाएंगे, दफ्तर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। उपाय ये करें कि किसी पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, किसी भी कामकाज में जल्दबाजी करने से बचें, कारोबारी लाभ कुछ कम होगा, आर्थिक पक्ष हालांकि मजबूत बना रहेगा, दोस्तों से मुलाकात होगी, परिवार के साथ में धर्मस्थल जाएंगे। उपाय ये करें कि कलाई पर मौली बांधें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, आर्थिक तौर पर थोड़ा सा सतर्क रहें, रुके हुए कामकाज में मदद मिलेगी, घरेलू जिम्मेदारी बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ में घूमने फिरने जाएंगे, छात्र मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। उपाय ये करें कि पूजा घर में लाल कपड़े का प्रयोग करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सलेटी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, लोग व्यवहार से प्रभावित होंगे, कामकाज में भागदौड़ रहेगी, मीडिया कर्मी सफल रहेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, दाम्पत्य में तालमेल बढ़ा रहेगा। उपाय ये करें कि घर की दक्षिण दिशा में कर्पूर जलाएं, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, नौकरी में लाभ के मौके मिलेंगे, कामकाज में बड़ा धन लाभ होने के योग हैं, दोस्तों के साथ में अनबन की संभावना है, सेहत पर ध्यान दें, बच्चों के साथ में घूमने फिरने जाएंगे। उपाय ये करें कि लाल रंग के कपड़े पहने, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, नए कामकाज के मौके मिलेंगे, छात्रों की पढ़ाई बेहतर रहेगी, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, दोस्तों से विवाद से बचें, परिवार के साथ में घूमने फिरने जाएंगे। उपाय ये करेंगे दक्षिणमुखी होकर के क्रीम का जाप करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, लाभ के अनेक मौके मिलेंगे, शाम दोस्तों के साथ में बिता पाएंगे, दफ्तर में कामकाज से यात्रा के योग हैं, करियर सफल रहेगा, खास व्यक्तियों से मुलाकात से लाभ मिलेगा। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में मिठाई का दान करें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, आर्थिक फैसले बहुत सतर्कता से लें, नौकरी पेशा को लाभ मिलेगा, आर्थिक बाधाएं सुलझेंगी, कारोबारी शत्रुओं से सतर्क रहें, छात्रों को शुभ परिणाम मिलेंगे। उपाय ये करें कि पूजा घर में मिठाई का भोग लगाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, सोचे हुए कामकाज पूरे होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, दफ्तर में अधिकारी कामकाज से खुश रहेंगे, काम के नए मौके भी मिलेंगे। उपाय ये करें कि किसी वृद्ध व्यक्ति को टमाटर दान करें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, कारोबार में लाभ के योग हैं, करियर संबंधी अच्छे मौके मिलेंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, लोगों के मुद्दे में हस्तक्षेप करने से बचें। उपाय ये करें कि हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो कामकाज में तरक्की दिलवाएगा। देखिए खास दिन बन गया है, एक तो श्रवण नक्षत्र है, साथ ही साथ में विशेष रूप से द्वादशी तिथि का भी सृजन है, ऐसे में वामन जयंती के पर्व मनाए जाने का विधान है भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी को।
तो ऐसे में भगवान वामन का पूजन करें और कामकाज में तरक्की के लिए इत्र लगे हुए 12 सिक्के भगवान वामन पर चढ़ाकर लाल कपड़े में बांध कर चढ़े हुए सिक्कों को अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए। ओम व्रत दंडाय नमः, ओम व्रत दंडाय नमः। आश्वस्त करता हूँ कामकाज में निश्चित तरक्की मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।